एस के पास मैक्सिमम 40 पोकेमोन है कैंटो से। उनमें से कुछ पोकेमोन स्ट्रॉन्ग भी है एंड कुछ वीक भी हैं। बट कभी कभी हमें लगता है कि हाँ यार एस के पास ये पोकेमोन होना चाहिए था, एस के पास ये पोकेमोन नहीं होना चाहिए था, एस को ये पोकेमोन कैप्चर करना चाहिए था, ये पोकेमोन कैप्चर नहीं करना चाहिए था। ऐसा ख्याल तो कभी कभी हमारे दिमाग में आया ही होगा ना लाइफ में एक बार। तो यार मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो आज हम देखेंगे टॉप 7 कैंटो पोकेमोन जो कि एस को कैच करना चाहिए था बट उसने कैच नहीं किया। वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है, इन तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, एंड वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना गाइस, यार एक ही तो लाइक कर दो। तो चलो शुरुआत करते हैं। नंबर 7 कबूतर। ये कैंटो का एक फॉसिल पोकेमोन है एंड इसके पास दो इवोल्यूशन है। कबूतर से इवॉल्व होने के बाद ये कबूतर बन जाता है एंड कहा जाता है कि कबूतर 300 मिलियन ईयर्स का पोकेमोन है। उसी टाइम से ये पोकेमोन गायब होने लगे एंड अभी के टाइम में इसे फॉसिल से जिंदा किया जाता है। सो एस के पास ये पोकेमोन होना चाहिए था क्योंकि इसके टाइपिंग भी बहुत ही अलग है एंड इसे मिस्टीरियस पोकेमोन भी कहा जाता है, तो इसी वजह से इसे रेयर भी मानते हैं। इसका टाइपिंग है रॉक एंड वाटर टाइप। पता है ये टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, ऐसे यूनिक टाइप की पोकेमोन कम ही देखने को मिलता है। तो यार ये पोकेमोन तो एस के पास होना चाहिए था एंड अगर ये पोकेमोन एस के पास होता तो ये एस का पहला फॉसिल पोकेमोन होता। नंबर 6 राइडॉन। राइडॉन के पास 3 इवोल्यूशन फॉर्म्स है। राइहॉर्न के बाद ये राइडॉन में इवॉल्व होता है एंड सिनो में जाने के बाद इसका एक और फाइनल इवोल्यूशन हमें देखने को मिला था। राइडॉन एक ऐसा पोकेमोन है जिसका डिजाइन सबसे पहले बनाया गया था। वैसे भी हमने एनिमी के अंदर एश के ज्यादा रॉक टाइप पोकेमोन को नहीं देखा है, तो कैंटो पोकेमोन के लिस्ट में एश के पास राइडॉन भी होता तो यार बहुत ज्यादा अच्छा रहता। अब ये कितना स्ट्रांग है हम तो वैसे ही अंदाजा लगा ही सकते हैं। वैसे पोकेमोन के सीजन 1 के अंदर एक एपिसोड आया था जो कि अभी बैंड हो चुका है, जिसके अंदर एश सफारी जोन में एक राइहॉर्न को कैच करने की कोशिश करता है बट अनफॉर्चुनेटली वो कैच नहीं कर पाता, मिस्टेकली वो टॉरस को कैच कर देता है। तो एश भी खुद चाहता था कि उसे एक राइहॉर्न मिले। एश को राइहॉर्न मिल जाता तो वो डेफिनेटली राइडॉन में इवॉल्व कर देता एंड अभी राइडॉन लिस्ट में नहीं होता। नंबर 5 गैरेडोस। इसके पास भी 2 इवोल्यूशन है। कमजोर पोकेमोन मैजिक कार्प इवॉल्व होता है एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन गैरेडोस में। गैरेडोस में इवॉल्व होने के बाद इसका टाइपिंग हो जाता है वाटर एंड फ्लाइंग टाइप। अब पता नहीं किस एंगल से ये फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन लगता है, वाटर के साथ साथ इसको फ्लाइंग टाइपिंग भी दे दिया है। गैरेडोस एक ऐसा यूनिक पोकेमोन है जो कि अलग अलग टाइपिंग का मूव को यूज कर सकता है, जैसे कि हुआ आइस, वाटर, पॉइजन, थंडर, फायर एंड बोनस में ड्रैगन टाइप मूव्स भी। ऐसा यूनिक पोकेमोन एश के पास भी होना चाहिए था एंड ये पोकेमोन मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। वैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गैरेडोस एश के लिए कितना मददगार होता बैटल के अंदर। नंबर 4 मैचाम। इसके पास 3 इवोल्यूशन है। ये मैचोप से मैचोप में इवॉल्व होता है एंड इसका फाइनल इवोल्यूशन है मचाम। मैचोप से मैचोप में इवॉल्व होने के बाद ही ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अब तुम सोचो कि ये मैचोप में इवॉल्व होने के बाद क्या क्या करेगा। ये एक कैंटो का आइकोनिक फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है जिसे हम शक्तिशाली पोकेमोन से भी जानते हैं। वैसे देखा जाए तो कैंटो के अंदर बहुत सारे फाइटिंग टाइप के पोकेमोन है जैसे कि हिटमोनली, हिटमोनचैन, प्राइमेप। वैसे प्राइमेप तो एश के पास भी था एंड एश के साथ होने के बाद प्राइमेप कितना स्ट्रांग था हम सब जानते हैं। तो मैचाम भी एश के पास होता तो एश डेफिनेटली मैचाम को और ज्यादा शक्तिशाली बना देता एंड बैटल में एश को हराना आसान बात नहीं होता। तो यही देखने के बाद हमें लगता है कि यार मैचाम भी एश के पास होना चाहिए था। नंबर 3 नाइनटेल्स। ये पोकेमोन बहुत 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 ही लोयल है। इसके पास 2 इवोल्यूशन फॉर्म्स है एंड इसका पहला इवोल्यूशन है वल्पिक्स। वल्पिक्स को फायर स्टोन की मदद से इवॉल्व किया जाता है नाइनटेल्स में, जो कि एक फायर टाइप का पोकेमोन है। हमने एक एपिसोड के अंदर देखा था कि एक नाइनटेल्स अपने ट्रेनर को इंतजार कर रही होती है। उसे कोई परवाह ही नहीं था कि उसका ट्रेनर अभी तक जिंदा है या फिर नहीं, बट कई साल बीतने के बाद भी नाइनटेल्स अपने ट्रेनर को इंतजार कर रही थी। अब तुम ही सोचो कि ऐसा लोयल पोकेमोन एश के ऊपर कितना सूट करता है। एश तो एक जंगली पोकेमोन या फिर किसी और ट्रेनर का पोकेमोन को भी भरोसा दिला सकता है एंड अगर एश के पास खुद का एक नाइनटेल्स होता तो वो एश के लिए कुछ भी कर सकता था। तो हाँ यार ये पोकेमोन भी एश के पास होना ही चाहिए था।
नंबर टू अलाकाजाम। ये पोकेमोन के पास तीन इवोल्यूशन है, आब्रा से ये कडाब्रा में इवॉल्व होता है एंड इसका फाइनल इवोल्यूशन है अलाकाजाम, जो कि एक साइकिक टाइप का आइकॉनिक पोकेमोन है कैंटो से। मेरे ओपिनियन में लगता है कि इसे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि आब्रा के फॉर्म में ही ये बहुत शरारती होता है। अब इवॉल्व होने के बाद तो मुश्किल तो हो ही जाता है पकड़ना, साइकिक टाइप पोकेमोन को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। बट एनिमी के अंदर ऐश के पास एक भी डंग का साइकिक टाइप के पोकेमोन नहीं है, अगर हमने मिस्टर मैम को काउंट नहीं किया तो। एंड अगर ऐश के पास अलाकाजाम होता तो कितना ज्यादा अच्छा रहता, अब तुम सोचो। वैसे साइकिक टाइप पोकेमोन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एंड आई थिंक ऐश के पास ये पोकेमोन होता तो उसे लीग के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता। हमें पता है कि ऐश का बैटल का स्ट्रेटेजी बहुत ही दमदार है एंड अलाकाजाम के साथ एक कॉम्बिनेशन बैटल ऐश के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता। तो नंबर वन ईवी। ईवी एक इवोल्यूशन पोकेमोन है जिसके पास 8 इवोल्यूशन फॉर्म्स है। वैसे अगर ऐश के पास कैंटो के अंदर ईवी होता तो वो सिर्फ ईवी के 3 इवोल्यूशन फॉर्म में इवॉल्व कर पाता, सिर्फ फ्लेरियन, वेपोरियन एंड जोल्टियन। बाद में अलग अलग रीजन के अंदर ईवी का इवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। पोकेमोन एनिमी के एक मेन कैरेक्टर होने के नाते ऐश के पास एक ईवी होना चाहिए, जो कि एक यूनिक पोकेमोन है एंड इसके पास 8 इवोल्यूशन फॉर्म्स है। ईवी के पास 8 इवोल्यूशन के साथ टाइपिंग भी 80 है। अगर ऐश के पास ईवी पोकेमोन होता तो उसका ईवी पोकेमोन कौन सा इवोल्यूशन में इवॉल्व होना चाहिए था, ये तुम अपने कमेंट में बता सकते हो। एंड हाँ, मैं समझूंगा कि तुमने यार वीडियो को इन तक देखा है। तो गाइज आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। इंतजार करना। हैव अ ग्रेट मोमेंट।